नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरांज। अभी आए हैं स्कूल से, और स्कूल से आते ही मम्मी खाना बना रही है हमारे लिए, रोटी और सब्जी। सब्जी में क्या है, मम्मी ने सीक्रेट रखा हुआ है, पर हमने गैस कर लिया, प्याज के आलू बने। यस, तो मम्मी खाने जा रहा हूँ, सबके सीक्रेट होंगे फेल। एक आएगी, ठीक है, बना दिया ना है दम आलू, दम के आलू, इसमें बहुत दम होती है ना भाई, अच्छे अच्छों का दम निकाल देती है। क्या बात है, दे दो फटाफट तीन रोटी बिना घी की। पैसे दे दो आप, वो कह रही थी पनीर और ब्रेड लाने की। ये पीछे तौलिया क्यों लगा रखा है ये? हाँ। अभी मैंने मेरे बालों का ऑयल ना इस पे ना लग जाए, इसलिए मेरे बालों में बहुत सारा। अच्छा जल्दी पैसा दो, मेरे को 5 बजे ट्यूशन है, 4:45 बज गया। पैसा पैसा क्या, या फिर ट्यूशन से लौटते समय ले आऊं? ठीक है चल, मैं उसकी बाकी की तैयारी करके रख लूंगी। मैं आऊंगा 7:30 बजे, तो बता दो। ठीक है ठीक है, कोई ना कोई ना, ठीक है। यहाँ मैंने फिर लहसुन डाला है और लहसुन भुन रहा है, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अनियन, अनियन के बाद डालूंगी मैं कैप्सिकम, शिमला मिर्च, उसके बाद मैं सॉसेस। अभी इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऑनियन मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी देखी है ऑनियन, कैप्सिकम और गार्लिक हो गया। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन डालकर रेड चिली सॉस, ये सिरका मैंने निकाल के रखा हुआ है सिरका, और मेरी इसमें जाएगी सोया सॉस। नहीं है, ख़त्म हो गई सोया सॉस, लॉल हो गई। चलिए फ्लेवर तो आ ही गया ना, अब सारा ट्यूशन गए तो मैं उससे मंगा। बच गए मेरे पास एक्स्ट्रा एक न्यू बॉटल सॉस, सोया सॉस का रखा हुआ था, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई, और अब डाल देंगे इसमें अपना पनीर। और ये है ना दोनों के लिए सरप्राइज़ है, उनको मैंने बताया नहीं है, मैंने फिलिंग बना के रख लिया और सारा उनसे मैंने ब्रेड के लिए बोला हुआ है, ट्यूशन गया जब वो। तो ये मेरी हो गई रेडी फिलिंग चिली पनीर सैंडविच की। कमेंट में बताना देखने में कैसी लग रही है, ज़रूर बताना, और मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं ये भी बताना। तो अभी ट्यूशन की छुट्टी हो गई है, मैं जा रहा हूँ सेक्टर 2 सामान लेने। मम्मी ने कहा था पनीर वनीर लाना, ब्रेड ब्रेड लेके आने, चलो लेके आते हैं, अभी मम्मी को स्पेशल बनाएंगी। अभी आ गया हूँ मैं, और अभी बाहर एनी दिखी थी तो एनी को घुमाने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ बहुत दिन से एनी को घुमाया नहीं, तो आज घुमा लूँ। हेलो हेलो, चलो आओ घूमी घूमी करने चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो, थक के आके यहाँ पे बैठ गई है आराम से, और इसने मुझे भी बहुत थकाया है। और घूमना है, चलो ऐसे रेडी वो भैया, प्यार ही बहुत है भाई। टेढ़े 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 टेढ़े, ताऊ मेरी आओ मेरी आओ आओ मेरी से, ये ना मैंने आज चिली पनीर बर्गर खाई थोड़ी सी। गाइस हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब हमारा पेट, मम्मी रुक जाओ व्लॉग ऑन रखो, टेस्ट। अच्छा अच्छा टेस्ट, बोलो यार ये अच्छा। भाई क्या है ये? चिली पनीर बर्गर? हाँ। या तो चिली पनीर खा या बर्गर खा, कहा है जी? आओ, आओ, खाते, खाते। आओ देखते हैं। ये देखो ये, ओहो ये बटर लगा के मैंने इस पे ये सेक लिए हैं,
ब्रेड कोई सी भी ले सकते हैं, पहले ये दूसरी वाली ब्रेड होनी थी बट सारांश को यही मिली तो मैंने कहा चल ये ना इसको मैं पहले साइड से हल्का सा सेक लूँगी। मेरे हिस्से के आज पीनू को दे दो सच में। मैं फिलिंग करूँगी। हाँ तो ये एक ले लियो ना तू। नहीं मम्मी ये तो हेल्दी सब्जी है, टिक्की थोड़ी ना आलू की। तो ब्रेड तो वो है ना। तो ब्रेड वो वाली अच्छी वाली है, कोई वो तो नहीं है, एक ले लियो बाद में वर्कआउट के बाद बता। वर्कआउट कर लिया है और अब नहा लिया हूँ भाई साहब, और आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैरों में। और मम्मी क्या कर रही हो? तेरे लिए हेल्दी सैंडविच बना रही हूँ, उसमें यही लगाऊंगी केवल वेजिटेबल्स लगाऊंगी। ठीक है एक बना लो। आज फिर साउथ का कुछ है? मैंने दो तीन दिनों में 5 साउथ की मूवी देखी। चलो फिर चलाओ। कौन सी? ये वादू। इसके बाद में दूसरी पार्ट भी देखूंगा, वो कल देखूंगा। क्या बात है, सारी सीरीज आज ही देख लो। बेल बजी है, अभी लग रहा है पापा ऑफिस से आ रहे हैं। हेयर ही इज थिंक ऑफ पापा एंड पापा अपीयर्स। इतना पसीना, इतनी गर्मी हो रही बार हो रही है भाई। अरे भैया तो ये मैं अभी अपनी बायोलॉजी की कॉपी कवर कर रहा था। वैसे तो ये मेरे को कहीं मार्केट में कवर मिला नहीं, पर लकीली मेरी कबर्ड में मैंने बहुत अंदर तक ढूंढा भी रात में तो मिल गया। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा कवर ऐसे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई कितनी सुंदर कॉपी है, इतनी सुंदर कॉपी। अब देखो भाई साहब कितनी सुंदर, कितने सुंदर डायग्राम्स हैं, है ना भाई। कॉपी ऐसी सुंदर रखनी चाहिए। चलो तो भाई बस ये थोड़ा सी बची है, नीचे से कवर हो गई, ऊपर की बची है, मतलब अब इस साइड की बची, ये कर दूँ उसके बाद मिलता हूँ। खाली बैठा था, सोचा मेरी ये जो बाकी नोटबुक्स हैं ये भी कवर कर ही दूँ, बस 4-5 हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। और स्कूल में हमारे ज़्यादातर ब्राउन पेपर चलता, तो ब्राउन पेपर भी है मेरे पे। चलो कर लेते हैं कवर। सारांश यो भाई, आज ये सब क्या हो रहा है भाई? बहुत सालों कब से पढ़ने लग गए, मतलब ये कवर चढ़ा के। अरे क्या करें, 12वीं में है तो कॉपी वगैरह के नंबर भी मिलते हैं ना। अच्छा कॉपीज के नंबर। 11th में तो इतनी तुम्हें टेंशन नहीं थी कॉपी के नंबर की? 11th में तो स्कूल वाले। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं सबको, ये जो बालक, ये जो बच्चा, ये जो स्टूडेंट, ये अपनी कॉपियों पर कवर चढ़ा रहा है, ये कूड़े में फिंक रही थी जब सफाइयाँ हो रही थी। ये सब मैंने संभाल के रखे रोल्स, जो कि मम्मियों के काम होते हैं, इनके तो इसे फेंक दो, क्या है आ जाएगा, क्या हुआ आ जाएंगे। और गाइस देखो मैं कितना डिजाइनर कवर चढ़ाता हूँ। तो आज ही तुम्हारे काम आ रहे हैं नहीं? हाँ ये देखो मैंने बायो की कॉपी कवर करी है, क्योंकि हमारी बायो की टीचर शांत तो पर्पल कलर पसंद है। अच्छा शांत, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बेटा। क्या ये देख, अरे वो तो सही हो जाएगा। अच्छा इसको ना पूरा इसको ऐसे कर। हाँ। अब इसको हल्का सा ऐसे नीचे करना, अब मोड़ दो। वाह वाह मेरी माँ। ठीक है अगर ज़्यादा वो लगे तो इस वाले स्टेपलर को खोल देना। नहीं और इस पर स्लिप लगाओगे अभी? नहीं स्लिप नहीं लगेंगे, मार्कर से लिखूंगा। ये बेटा ये स्लिपरी वाला है, ये इस पर मार्कर से टिकेगा नहीं। तो स्लिप नहीं है ना, नेम स्लिप, नेम स्लिप कहाँ है हमारे पास? तो कल ही सबमिट करनी है। नहीं तो नेम स्लिप ले आना बाद में, जब सबमिट करनी हो ले जाना कल ही। नहीं तो सुबह 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 स्टेशनरी की दुकान पर जाके भी ले आऊँगा। अब है तो सही, अब मैं ढूंढूंगी नहीं, पर कहाँ है मुझे बता, मैं निकाल लूँगा। नहीं नहीं इसके कान काटो, एक कान, ये दूसरा कान, ये बेड भी क्लीन कर देना ज़रा, ठीक है। और मैं तुम्हारे कपड़े ये फोल्ड करके रख दिए, तो कबर्ड में नहीं गए हैं पर ये तुम्हारे कपड़े। अरे पीनू कोई काम नहीं करता है, एक तो इस पे अपनी कवर में रखने का तुम ही तो करोगे, अपने कमरे की धोस भी तो तुम ही देते हो। मेरे कमरे में आ गए। तो आते नहीं हो? तो आएंगे, ये तेरा कमरा है क्या? हाँ। मैं साफ नहीं करता हूँ। बहु दिखाना जरा, क्या छोटे बच्चे हो क्या? भगवान छोटी बच्ची हो गया? नहीं ऐसा नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? अरे कुकर की सीटी रात में क्या चढ़ाया कुकर में?
अरे यार उसने मेरे को इतना ज्यादा मतलब टेंशन दे दी है पीनू ने कि मैंने उसको बस ऐसे ही बोल दिया, कल मैं ना तेरे लिए आलू सैंडविच बना के रखूंगी लंच में। तो उसने मुझसे इतनी बार कह दिया आलू सैंडविच आलू सैंडविच आलू सैंडविच। अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं कल नहीं उठ पाई और भैया इसके आलू सैंडविच रह गए तो मैं आलू बॉइल करके रख दे रही हूँ। अब भैया ये अगर उसके लंच में गए और मेरे लंच में नहीं गए कल तो फिर मेरे लिए तो चीट नहीं, मैं तो ब्रेड वाइब नहीं ले लूं। और मैं 11 बजे करीब इसलिए बॉईल करके रख रही हूँ ताकि सुबह तक वो ठीक रहेंगे, क्योंकि 4-5 घंटे तो वो आलू वैसे भी सही रहते हैं ना, और सुबह फ्राई में कर ही दूंगी उठते ही। आइए और व्हाट्सअप कर लिया मैंने और बैग यहाँ देखो साइड पर पैक करके रख दिया है, सब हो गया भाई, सारी कल की वो हो गई, स्कूल जाने की तैयारी। अचानक है ना मेरा मन करा, मैंने कहा चलो नहीं किसी टीचर विचर ने, टीचर तो कहती हैं कि कर लो कवर पर हमें लगता नहीं कर ले, पर अचानक से मेरा मन कर गया, मैंने चलो यार कवर करने में मुश्किल से, मैं आपको सच बताऊँ मेरे को 7 से 8 मिनट लगे होंगे बस सारी कॉपीज कवर करने में। सबसे ज़्यादा टाइम लगा था बायो की कॉपी कवर करने में क्योंकि वो है मोटे गत्ते वाली। चलो अब बारी इस ब्लॉग को एंड करने की, ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अपने फिल्म फेस का शेयर जरूर करना। तो ठीक है आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय, मिले कल जब नए तरह के वक्त ब्लॉग के साथ।